नमस्कार, वाफेक्स में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की चर्चा का विषय बना हुआ है अफगानिस्तान। तालिबान आज सत्ता का चेहरा बन चुका है। अफगान भूमि पर दो दशक की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर आज हम आपको एक ऐसे भारतीय राजा के बारे में बताएंगे जिसने बिना खून खराबे के ही अफगानिस्तान को भारत में मिला लिया था। वो राजा कोई और नहीं बल्कि चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मगध जैसे बड़े साम्राज्य को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर अलेक्जेंडर द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक अभियान शुरू करने के लगभग 20 साल बाद ये क्षेत्र फिर से एक और आक्रमण का सामना करने की कगार पर था। इस बार सिकंदर का एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर अभियान का नेतृत्व कर रहा था। दरअसल चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने सिकंदर द्वारा शासित क्षेत्र के बड़े हिस्से को जीत लिया था। ऐसे में सेल्यूकस ने अपने साम्राज्य की सीमा की रक्षा के लिए पूर्व की ओर अभियान चलाया। दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। इस दौरान भारतीय भूमि पर कुछ अलग हुआ। ऐसे समय में जब सैन्य अभियानों के माध्यमों से साम्राज्यों का विस्तार करना एक सामान्य सी घटना थी, उस वक्त युद्ध का हल कूटनीति तरीके से निकाला गया। हालांकि ये निश्चित है कि सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी को पार किया था। अगर दोनों शासकों की सेनाओं ने युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना किया था या नहीं, ये अभी भी इतिहासकारों द्वारा बहस का विषय बना हुआ है। बहरहाल इस युद्ध को एक संधि के तहत खत्म कर दिया गया। इसके तहत 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान सौंप दिया था। साथ ही ग्रीक साम्राज्य ने कंधार के अलावा अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों पर चंद्रगुप्त का शासन स्वीकार कर लिया था। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी, मुलाजिम, कुछ सामान और अनाज दिया। कहा यह भी जाता है कि दोनों राज्यों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए थे। इतिहासकारों का तर्क है कि चंद्रगुप्त ने संभवतः सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी। हालांकि शादी के बारे में विवरण दुर्लभ है। कुछ भी हो, मगर इस संधि से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साम्राज्य के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी गलियारे में विस्तार का मार्ग खोला। इसके बाद मौर्य वंश और प्राचीन ग्रीक साम्राज्य के मध्य जो राजनयिक संबंध बने वो अशोक महान के शासनकाल के दौरान ही कायम रहे। बता दें कि यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के कार्यकाल पर किताब इंडिका लिखी है, जो बहुत लोकप्रिय थी। इस किताब पर उस समय की सारी जानकारी मौजूद थी। वाफ एक्स में आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।